गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 9.1 और इसको कुछ इंट्रोडक्शन या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो हमें निर्देश दे रहे हैं ऐसे अंक, और उन अंकों से एक बनी ज्यामिति ही, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब अब निर्देशांक की बात आ रही है तो हमें पॉइंटों के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा सपोज करो ग्राफ है, इसमें ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश एक्सिस होता है। इसमें दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही प्लस के अंदर होते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट जब तक बीच में कोमा और ब्रैकेट नहीं बंद करोगे तब तक वो कोऑर्डिनेट नहीं होगा। जब तक तुम ब्रैकेट में और कोमा नहीं लगाओगे जब तक वो कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता। इसके अंदर एक्स माइनस का और वाई प्लस का, इसमें x माइनस का और y माइनस का, इसमें x प्लस का और y माइनस का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये पता। अब जैसे कोई नंबर ऑफ प्लॉटिंग आपको न आता ही होगा, ठीक, 2.3 को निर्देशांक मतलब प्लॉटिंग करो उसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई y = 0 है, y = 0 है, देन लाई किस पे करेगा, वो x एक्सिस पे लाई करेगा। यदि y = 0 देन पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, इफ y = 0 देन पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। अगर इफ x = 0 देन पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। देखो क्या लिखा मैंने कि अगर y बराबर 0 है तो जो पॉइंट होगा वो x एक्सिस पर होगा, और अगर x बराबर 0 है तो पॉइंट y बराबर 0 होगा। और पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0.0 यानी x पर भी 0 और y पर भी 0। तो आई होप आप लोगों को इतना तो मालूम होगा ही। अभी तक ये बस इतना ही है। इसके अंदर जो हमने ग्राफ पढ़ा है उस ग्राफ से रिलेटेड ये है कि अगर y = 0 है तो x एक्सिस पर लाई करता है, और x बराबर 0 है तो y एक्सिस पर पॉइंट लाई करता है, और ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु के निर्देशांक 0.0 होते हैं। अब हम क्लास 10th के अंदर जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक फॉर्मूला यूज होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1² + y2 - y1² ठीक है। अब देखो इसके अंदर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो x1 - x2 करो या x2 - x1 करो, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो स्क्वायर होकर आना पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो आप ये x1 - x2 भी यानी पहले वाला बाद में और बाद में वाला पहले भी लिख सकते हो, लेकिन स्क्वायर है इसलिए किस लिए लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है। और स्क्वायर का मतलब क्या होगा, क्योंकि उसका एंड में जाके वो पॉजिटिव ही आना। अगर जैसे सपोज करो x2 - 2 - 4, तो 2 में से 4 गया तो माइनस का 2, और माइनस के 2 का स्क्वायर 4। अब देखो मैंने 2 - 4 करा, अब 4 - 2 करो, 4 में से 2 गया तो 2, और 2 का स्क्वायर 4, यानी आंसर हमारा सेम आना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या कह रहा है कि इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर इसके कोऑर्डिनेट 2.3 और इसकी कोऑर्डिनेट 4.6 है, तो इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो मैं इसका डिस्टेंस आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ कि ये देखो, ये जो पहला ब्रैकेट है इसमें होंगे पहला तो x1 और दूसरा y1, क्योंकि x1 x और y में कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा। कोऑर्डिनेट किस में होंगे, x में। आप लोग ये मत करना कि इसको x1 इसको x2 मान लो, ये x1 ये y1 और ये वाला x2 और y2, ठीक है, ये x और y में होंगे। ये दूसरा इसलिए 2-2 लगा दिया, ये पहला इसलिए 1-1 लगा दिया। अब इधर x2 - x1, 4 - 2 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन प्रूव करना है। अब देखो कभी कभी तुमसे इसमें क्वेश्चन क्या कहेगा, वो कहेगा ये 4.6 और ये 3.y है, और इस पूरे का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है, और इसकी इक्वल में ये आएगा।
तो 10 इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला, 10 के इक्वल में ये फॉर्मूला आएगा, इधर से तुम y की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आइए हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज क्या कह रही है, यानी 9.1 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूँ। 6 नंबर की एक्सरसाइज आरबीएससी में है, आरबीएससी में, आरबीएससी बोर्ड में 9th चैप्टर 6 मार्क्स कवर करता है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन भी 6 नंबर का आ सकता है या फिर दो क्वेश्चन 3-3 नंबर के आ सकते हैं, आई बात समझ में। लेकिन आएगी कितने नंबर की, 6 नंबर की, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये आप सभी को ग्राफ दिख रहा है, ये क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस फ्रॉम गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर से पी क्यू और आर के, पी क्यू आर एस का तुम्हें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करना है। जैसे पी ए रहा, तो पी पर एक्स कितना है 5 और वाई कितना है 3, तो इस पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 5, 3। क्यू के कोऑर्डिनेट देखो, एक्स पर तो है -4 और वाई पर है 6। पहले कोऑर्डिनेट 6 एक्स का ही लिखना है फिर वाई का लिखना है, हमेशा कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में होंगे, पहले एक्स का फिर वाई का, ये मत करना कि पहले वाई का फिर एक्स का कर दो। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स और एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा, दोनों ब्रैकेट में बंद होंगे, बीच में कोमा लगा हुआ होना जरूरी है, तभी वो कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, नंबर की प्लॉटिंग कर लोगे इसकी। इसके बाद ये क्या कह रहा है, प्लॉट द पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स, इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, पहले के अंदर तुम्हें पॉइंट दिए गए, कोऑर्डिनेट बताने, इस बार कोऑर्डिनेट दे रखा, प्लॉटिंग करनी है, यानी उनको रखना है, उनको निर्देश मतलब निर्देशित करना है ग्राफ के अंदर। जैसे सपोज करो ये है, ठीक है, देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, अरे -4, -1, -2, -3, अरे -4। तो देखो इसमें कह रहा है 1, 2, x पर, देखो पहले क्या लिखा हुआ है 1, 2, यानी x पर 1 और y पर 2, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो x का तो 1 ये रहा और y का 2 ये रहा, तो इन दोनों को ये रहा, तो ये कितना है 1, 2, इसको दे दो a। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, वो -1, 3, तो देखो -1, 3, तो ये x ये y, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस किसके अंदर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो देखो माइनस का 1 ये रहा, x का, ये x ही तो है, ये x एक्सिस, ये x डैश यानी कि ये माइनस का, ये y और ये y डैश यानी कि ये वाला माइनस का, तो x पर माइनस का कहाँ है, ये रहा 1, माइनस का 1 ये रहा, और y पर प्लस का 3 कहाँ है, ये रहा, तो इधर से ऊपर जाएंगे, इधर से इधर आएंगे, इधर से ऊपर जाएंगे, इधर से इधर आएंगे, और इसको इस तरीके से कट करेंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा, इसको बोलेंगे -1, 3। ठीक है, सेकंड क्या, थर्ड क्या कह रहा है, -2, -4, यानी x पर -2 और y पर -4, तो x पर -2 और y पर -4, यानी ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सी पॉइंट दे दिया -2, -4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप इस तरीके से सारे नंबर्स को प्लॉटिंग कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, बाय टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट द पॉइंट इफ ओपीक्यूआर इज रेक्टेंगल देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कि बाय टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट द पॉइंट्स ओ पी आर देन इफ ओ पी क्यू आर इज रेक्टेंगल देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। देखो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि एक तरीके से हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 माइनस 1, 2, 3 और ये 4 -1, ये 0 है ही, -2, -3, -4 -1, -2, -3, -4 ये x प्लस का, ये x माइनस का, ये y प्लस का, ये y माइनस का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, o तो है 0, 0, तो देखो 0, 0 तो ये रहा, इसको पॉइंट दे दिया o। ठीक है, दूसरा दे रखा है p 3, 0, x पर 3
और वाई पर जीरो। अब वाई पर जीरो है तो पॉइंट एक्स पर लाइज करता है, हमने पढ़ा था। वाई पर जीरो है तो पॉइंट किस पर आया, एक्स पर ही आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अब के एक्स पर जीरो है तो वाई पर आएगा, एक्स पर जीरो है तो वाई पर, ये फोर, तो जीरो कॉमा फोर, ये है ओ पी आर। अभी कह रहा है कि ओ पी क्यू आर एक रेक्टेंगल है, यानी जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई ये है, जितनी चौड़ाई ये है उतनी चौड़ाई ये है, क्योंकि हमने पढ़ा था रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट यहाँ पे कट हुआ, तो इसके कोऑर्डिनेट, इसको बोला क्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। तो एक्स पर तो तीन और वाई पर चार, तो थ्री कोमा फोर, इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। आई बात समझ में, किस तरीके से करा क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या कह रहा है, प्लॉट द पॉइंट विच फिगर इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग देम सीरियली, ठीक है। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है। कि माइनस का वन कॉमा जीरो, यानी वाई पर जीरो है तो एक्स पर माइनस वन, ये रहा। फिर उसके बाद एक्स पर वन और वाई पर जीरो, ये रहा। फिर एक वन और वन, ये रहा। फिर जीरो कॉमा टू, यानी एक्स पर जीरो वाई पर टू, ये रहा। फिर माइनस वन और वन, ये रहा। इसको ज्वाइन करो सीरियली इधर से न्यू, यानी इसको, तो किस तरीके की आकृति बनी, पेंटागोन। पेंटागोन मतलब पंचभुज, पांच भुजाओं वाली, एक दो तीन चार पांच भुजाएं हैं, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, पंचभुज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है कि ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल, हमें क्वाड्रिलेटरल को बनाना है इफ इट्स वर्टिसेस आर फॉलोइंग, जिसके शीर्ष निम्नलिखित है, तो इसके निम्नलिखित बताना है। फिर ऑल्सो मैंशन टाइप ऑफ ऑप्टेंड क्वाड्रिलेटरल, तो तुम्हें यह भी बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल देखो कितने टाइप्स के होते हैं, मैं जानता हूँ क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक तो हमारा पैरेललोग्राम होता है, यानी कि समांतर चतुर्भुज, क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। एक हमारा रोम्बस होता है, यानी कि समचतुर्भुज। एक स्क्वायर भी हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि वर्ग। एक रेक्टेंगल भी हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि आयत, ठीक है। अब उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक ट्रेपेजियम होता है, तो हमें ये बताना है कि कब कौन सा है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि पैरेललोग्राम्स के आमने साइड उमने की साइड इक्वल होती है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, ये चीज़ हमको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का केवल एक बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बाकी सेकंड जो है वो आपको करना है। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये तुम्हें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वन कॉमा वन, इसको मैंने ए मान लिया, फिर बी को दे, बी मान लिया मैंने टू कॉमा फोर, सी मैंने मान लिया एट कॉमा फोर, और डी मैंने मान लिया टेन कॉमा वन, एक बना लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को बनाइए अगर यदि उसके जो वर्टिसेस यानी कि जो उसके शीर्ष हैं वो निम्नानुसार हैं, यानी एक कोमा एक, दो कोमा चार, आठ कोमा चार और दस कोमा एक, जैसे कि ये दिए हुए हैं। अब इसके देखो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, यानी चार साइड का एक ज्योमेट्री बना ली, ए बी सी और डी, ए कितना वन कोमा वन, टू कोमा फोर, एट कोमा फोर और टेन कोमा वन। अब हमको ये कह रहा है कि बताओ ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, हमको क्या बताना है कि बताइए कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। और अब क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं ये आपको पता होता होना चाहिए, पैरेललोग्राम्स हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, और आपका क्या बोलते हैं किसकी क्या विशेषताएँ होती हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसमें मैंने एक काम क्या करा, पहले मैंने ए बी को फाइंड आउट करा, ए से बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करा। अगर मुझे इसकी लंबाई मालूम चल जाए, इसकी मालूम चल जाए,
इसकी मालूम चल जाए और इसकी मालूम चल जाए, चारों की लंबाई मालूम चल जाए, तभी तो मैं पता लगा सकता हूँ कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए बी के बीच का डिस्टेंस, ये बिटवीन है ठीक है, दो दो मतलब ए बी के बीच की दूरी, इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन। अब देखो अगर मैं इन दो पॉइंटों की बात कर रहा हूँ, तो अगर पहला पॉइंट ये है तो एक्स वन वाई वन, और दूसरा पॉइंट ये है तो एक्स टू वाई टू, हमेशा कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में ही होंगे, दिस बिल्कुल क्लियर है। तो टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर माइनस वन का ऑल स्क्वायर, तो टू में से वन माइनस हुआ तो वन, वन का स्क्वायर वन, फोर में से वन माइनस हुआ तो थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन और वन टेन, तो ये आ गया रूट टेन ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन बी सी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी। अब देखो इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये एक्स वन ये वाई वन, ये एक्स टू ये वाई टू, तो कैसे लिखेंगे, एट माइनस टू, एट माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर का स्क्वायर। अब एट में से टू माइनस हुआ तो सिक्स, सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स और जीरो, और थर्टी सिक्स का क्या निकल कर आएगा, सिक्स ठीक है। अब बात करते हैं सी और डी का, डिस्टेंस बिटवीन सी डी, तो ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, तो टेन माइनस एट, टेन माइनस एट का स्क्वायर, वन माइनस फोर का स्क्वायर, वन माइनस फोर का ऑल स्क्वायर। टेन में से एट गया तो टू, टू का स्क्वायर फोर, वन में से फोर जाएगा तो माइनस थ्री, और माइनस थ्री का स्क्वायर थर्टीन, और नाइन, नाइन और फोर थर्टीन, लेकिन अंडर रूट का। फिर उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ए डी, ए डी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो ये एक्स, ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, जैसे टेन माइनस वन यानी टेन में से वन माइनस हुआ नाइन, नाइन का स्क्वायर एट्टी वन, वन में से वन माइनस हुआ जीरो, और एट्टी वन का कितना निकल कर आता है, नाइन। अब देखो इस चारों ही वैल्यू अलग अलग निकल कर आई है, तो हम इन चारों वैल्यू से पता नहीं लगा सकते। अब पता लगा सकते हैं कि हम क्या बोलते हैं, किसकी वैल्यू मतलब कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज़ है। चलो अगर अब मैंने एक काम करा कि मैंने एक ग्राफ बना लिया, क्या बना लिया, मैंने एक ग्राफ बनाया जिसके अंदर मैंने क्या करा, टू फोर सिक्स एट टेन, टू फोर सिक्स और ये एट, तो हमने क्या करा, वन कोमा वन को पर एक लिया, ये वन कोमा वन, फिर उसके बाद हमने टू कोमा फोर लिया, टू कोमा फोर, उसके बाद मैंने एट कोमा फोर लिया, एट कोमा फोर, उसके बाद मैंने टेन कोमा वन लिया, टेन कोमा वन। अब देखो इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आप लोगों को, ट्रेपेजियम टाइप का, तो हम क्या लिख देंगे कि ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम क्या है, ये ट्रेपेजियम है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ये ट्रेपेजियम है, इसी की तरह इसको आपको सेकेंड क्वेश्चन करना है, फिफ्थ का सेकेंड करना है ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में करा रहा हूँ, आइए देखते हैं। अब जो हमारी एक्सरसाइज है, मेन एक्सरसाइज जो अब स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन नंबर सिक्स से ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दिए हुए पॉइंटों का। तो मैं इसका एक तो पहला करा रहा हूँ, सिक्स का फर्स्ट कराऊंगा और एक सिक्स का थर्ड कराऊंगा। तो देखो सिक्स का फर्स्ट क्या कह रहा है, सिक्स का फर्स्ट कह रहा है माइनस का सिक्स कोमा सेवन एंड माइनस का वन कोमा माइनस फाइव ठीक है। तो इसमें हमको मालूम है कि देखो इसके अंदर मैंने ये दो पॉइंट मान लिए, ये इन दोनों, इसको मैंने नाम ए दे दिया, इसको नाम मैंने बी दे दिया। तो मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए बी के बीच का डिस्टेंस एक्स टू माइनस एक्स वन यानी माइनस वन
इसका माइनस और ये माइनस का 6 का ऑल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस 5 फॉर्मूले का माइनस और वाई वन किसका 7। देखो इसमें ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 में से 6 प्लस होगा, माइनस 1 प्लस 6 यानी 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 को ऐड करेंगे तो 169 और 169 का 13। तो हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 का फर्स्ट यानी कि 13। 6 के फर्स्ट का आंसर क्या है 13। तो आपको पता लगा कि हमने किस तरीके से करा है, ठीक है। और इसका सेकंड आप लोगों को करना है। अब थर्ड क्वेश्चन में करा रहा हूँ इसका, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ी बहुत इसका 6 का जो थर्ड है उसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इसको बुक का आंसर किस तरीके से लाना है, ठीक है। चलो ये दो पॉइंट दिए हुए हैं हमको, इसके अंदर हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना है। मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान, चलो ए बी मत मानो, इसको क्यू मान लो, इसको पी मान लो। तो मैंने क्या करा, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस करना है भाई। तो एक्स टू माइनस एक्स वन यानी ए टी टू का स्क्वायर, ए टी टू का स्क्वायर माइनस एक्स वन ए टी वन का स्क्वायर, ए टी वन का स्क्वायर का ऑल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ऑल स्क्वायर, टू ए टू, टू ए टू माइनस टू ए टी वन का ऑल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो मैंने देखा कि ये ए इसमें भी और ए इसमें भी, यानी ए का स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है। मैंने क्या करा, ए का स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन। तो अंदर क्या बच गया, स्क्वायर क्यों लगा, ए इसमें भी, ए इसमें भी और स्क्वायर इस पर भी, तो ए का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, टी टू का स्क्वायर माइनस टी वन का स्क्वायर का ऑल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस इसमें 2a आ रहा है, इसमें भी 2a आ रहा है, यानी कि 2a का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यानी कि 4a स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, t2 माइनस t1 का स्क्वायर, ये बच गया। अब देखो मैंने देखा कि इसमें a स्क्वायर आ रहा है, इसमें a स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने a स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो मैंने क्या करा, a स्क्वायर कॉमन ले लिया। जैसे ये a स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर प्लस एक बाहर चले गया तो क्या बच गया 4, तो इधर क्या बच गया t2 माइनस t1 का ऑल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं जानता हूँ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस बी ए माइनस बी, क्या जानता हूँ मैं, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बोल रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, क्लियर है। तो देखो ए कितना है टी टू, बी कितना है टी वन, और ये ए स्क्वायर तो चल ही रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी यानी टी वन, टी टू प्लस टी वन, टी टू माइनस टी वन, और इस पूरे के ऊपर क्या चल रहा है, इस पूरे के ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, तो इस पूरे के ऊपर मैंने क्या लिख लिया, स्क्वायर प्लस फोर टी टू माइनस टी वन का ऑल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो इस पे भी है और इस पे भी है, तो मैं दोनों के ऊपर ही स्क्वायर पहुंचा रहा हूँ कि ए स्क्वायर टी टू प्लस टी वन का ऑल स्क्वायर, टी टू माइनस टी वन का ऑल स्क्वायर प्लस फोर टी टू माइनस टी वन का ऑल स्क्वायर। अब मैंने देखा कि टी टू माइनस टी वन इसमें भी है, टी टू माइनस टी वन इसमें भी है, तो दोनों में मैंने क्या करा, टी टू माइनस टी वन का ऑल स्क्वायर कॉमन ले लिया, यानी ए स्क्वायर टी टू माइनस टी वन का ऑल स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया, टी टू प्लस टी वन का ऑल स्क्वायर प्लस
अब ए दोनों के ऊपर स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए टी टू माइनस टी वन अंडर रूट में टी टू प्लस टी वन का ऑल स्क्वायर प्लस फोर। ये हमारा दोनों दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना था, केवल आपको आइडेंटिटी और इसको खोलने का तरीका आना चाहिए, बाकी सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरीके से करना है, ये ज़्यादा टिपिकल नहीं लेके जाना है क्वेश्चन को। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स समझ में आया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ढंग से सुनना। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं उनमें से तीन नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर आता ही आता है, ठीक है। तो आपका नसीब है अगर इस बार भी आता है तो। चलो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना इसको। अब क्वेश्चन नंबर सेवन को करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही तो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज कहता है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, प्रूव दैट पॉइंट 2, -2, -2, 1 और 5, 2 आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि कह रहा है कि सिद्ध करो। अब देखो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब आंसर है हमारा जो बुक में ही आंसर है। एक पॉइंट दे रखा है 2, -2, एक पॉइंट दे रखा आपको -2, 1 और एक पॉइंट दे रखा आपको 5, 2। देखो और ये कह रहा है कि बताओ कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेज यानी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। अब मुझे बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के शीर्ष है कि नहीं है, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी शेष छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर आना चाहिए। सपोज करो एक तरीके से मैंने ये एक ट्राइंगल मान लिया, राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया। अब मुझे मालूम नहीं है कि ए सी ये है या ये ए बी है, मैंने तो एक बार को माना है केवल समझाने के तौर पर। अगर देखो ए 2, -2 है, 2, -2 और बी आपका -2, 1 है और सी आपका 5, 2 है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तीन डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, पहला दूसरा और ये तीसरा। तो बस ये डायग्राम मैंने आपको केवल डिस्टेंस निकालने के लिए समझाया है कि आपको किस तरीके से निकालना है। ए बी बी सी और सी ए ये तीनों ही डिस्टेंस आपको यानी दूरी निकालनी पड़ेगी। जब ये तीनों दूरी आप निकाल लोगे तो आप आराम से पता लगा सकते हो कि ये हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट है कि नहीं है। तो आइए सबसे पहले मैं निकालता हूँ डिस्टेंस बिटवीन ए बी यानी कि -x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी -2 और ये -2 हो जाएगा तो -4। देखो कैसे हो रहा है, ये -2 फॉर्मूले का माइनस फिर ये 2 इसका स्क्वायर प्लस 1 फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस तो -, क्या हो गया 2 का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 25 और 25 का अंडर रूट 5, 25 का अंडर रूट 5 यानी हमारे पास ए बी का डिस्टेंस कितना निकल कर आया 5। अब बात कर रहे हैं हम डिस्टेंस बिटवीन बी सी। अब बी सी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 5 माइनस ये माइनस है तो -, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, 5 और 2 = 7 का स्क्वायर 49 और 2 और 1 दो में से गया तो 1 का स्क्वायर 1 49 और 1 50 कितना आ गया, ये 50। क्या मैं 50 को ऐसे लिख दूं 25 × 2 तो इसका अंडर रूट क्या निकल कर आ जाएगा 5√2। क्या निकल कर आ गया 5√2, ठीक है। 50 को कैसे लिखा 25, 2 और 25 का तो 5 और 2 का नहीं होता इसलिए 2। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन सी ए, वही x2 - x1 यानी 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - - +2 फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस तो कितना हो गया प्लस 2 का स्क्वायर। 5 में से 2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 और 2 = 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 = 25 तो 25 का रूट कितना निकल कर आएगा 5, ठीक है। अब इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है,
देखो अब इसमें सबसे बड़ी भुजा BC है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? BC। तो इसका वर्ग तो हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी छोटी भुजाओं के बराबर होता है। यानी कि BC का स्क्वायर निकालते हैं पहले हम 5√2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो 25 और √2 का स्क्वायर 2 यानी कि 50। अब हम क्या निकालते हैं? AB का स्क्वायर निकालते हैं, तो AB कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर 25। फिर हम निकालते हैं CA, वो भी कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25। तो दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर है, यानी BC का स्क्वायर जो है वो AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर है। देखो हमने क्या बोला, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटी छोटी भुजाओं के दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो हम क्या कह देते हैं कि यही हमारी क्या है, ये एक इति सिद्धम। इससे हम क्या कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। जैसे कि अब इसमें BC सबसे बड़ी भुजा आई ना, तो इसको बोल दो AB और ये C, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भुजा है और ये दो छोटी छोटी भुजा, यानी A कोऑर्डिनेट ये, B के कोऑर्डिनेट ये और C के कोऑर्डिनेट ये। तो हम पता लगा सकते हैं कि BC सबसे बड़ी भुजा है और इसके अंदर ये पाइथो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं कि प्रूव दैट पॉइंट 1, -2, 3, 0 एंड -√3a, √3a आर वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल सॉरी आर वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के वर्टिसेस को प्रूव करना है। अब स्क्वायर क्या चीज़ होती है? स्क्वायर वो चीज़ होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, तो हमें इसकी क्या करना है? इसको स्क्वायर प्रूफ करना है। तो देखो आओ स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यानी ए तो मान लिया मैंने 1, -2, बी मैंने मान लिया 3, 0 और सी मैंने मान लिया 1, 2 और डी मैंने मान लिया -1, 0। सी और ये डी। अब हमें क्या करना है? प्रूव करना है कि स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मैं शॉर्ट में करता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन ए बी यानी 3 -1 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 -, -++, +2 का स्क्वायर यानी 4, 4 और 4 8 और 8 √8 और √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2। अब मैं निकाल रहा हूँ बी सी का 1 -3 यानी कि -2 का स्क्वायर 4, 2 -0 यानी 4 और 4 का कितना हो गया? √8 और √8 का कितना आ गया? 2√2। उसके बाद मैं निकालता हूँ सी डी का यानी -1, -1 यानी -2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 -2 यानी -2 का स्क्वायर यानी 4, 4 का मतलब हुआ 8 और 8 का मतलब हो गया 2√2। उसके बाद मैं निकालता हूँ डी ए का, तो डी ए इक्वल्स टू -1, -1 यानी -2 का स्क्वायर 4, 0 -, -, यानी +2 यानी 4 और 4 का हो गया √8 और √8 का मतलब हो गया 2√2। देखो अगर मैंने एक एक स्क्वायर बना लिया, इससे तो मालूम चल गया कि चारों भुजाएं समान है, चारों साइड बराबर है तो स्क्वायर है। लेकिन एक बात बताओ कि भाई इस चारों भुजाएं तो रोम्बस की भी बराबर होती है यानी समचतुर्भुज की भी बराबर होती है चारों भुजाएं, तो ठीक है। तो देखो हमने क्या करा, अब एक AC और एक BD, ये दो डायगनल भी हमें निकालने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो AC और एक BD। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? AC निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? AC। तो AC कैसे निकलेगा? 1 -1 यानी 0, 2 -, -++ यानी कि 4, 4 का देखो 0 कैसे, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, 2 और ये -, -++, 2 और 2, 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का क्या निकाल लेंगे हम? 4। उसके बाद हम बात करते हैं BD की, किसकी? BD। तो हम क्या कहेंगे? 3 -, -++, 1 यानी 3 और 1, 4, 4 का स्क्वायर 16, 0, 0 तो 16 और 16 का क्या? +0,
यानी 16 का क्या निकल कर आ गया 4। तो हम क्या कहेंगे, जिसकी चारों भुजाएं समान और जिसके दोनों विकर्ण समान होते हैं, यानी कि चारों साइड इक्वल और विकर्ण इक्वल होते हैं, तो वो हमारा स्क्वायर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, चूंकि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए एंड और क्या बोलते हैं ए सी इक्वल्स टू बी डी ए, इसलिए हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज स्क्वायर, एक स्क्वायर के पॉइंट या कोऑर्डिनेट हैं, इसलिए वह एक स्क्वायर है। क्या होगा, जिसके चारों भुजाएं या समान हो, जिसके दोनों विकर्ण समान हो, वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग होता है। हमें यही तो प्रूफ करना था कि सिद्ध करो कि दिए गए बिंदु वर्ग के निर्देशांक हैं कि नहीं है। तो वर्ग के निर्देशांक हैं, क्यों निर्देशांक हैं, क्योंकि चारों भुजाएँ समान हैं और दोनों विकर्ण परस्पर समान हैं, यानी विकर्ण भी बराबर हैं और भुजाएँ भी बराबर हैं, इसका मतलब वो एक वर्ग है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि प्रूव दैट पॉइंट ए कोमा ए माइनस ए कोमा माइनस ए एंड रूट थ्री ए कोमा रूट थ्री आर वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज, ये क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो जिसके तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हमें तीन दूरियां निकालनी है और तीनों दूरियों के अंदर उसकी दूरियां समान आएगी, तब हम कह सकते हैं कि अगर समान आती है तो वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और ये कह रहा प्रूव दैट, तो इक्वल आएगी आएगी 101%। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका खुद का होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको किस तरीके से करना है। कि प्रूव दैट पॉइंट्स 1,1 माइनस 2,7 1,1 माइनस का 2,7 एंड 3, माइनस का 3। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कोलिनियर है। अब कोलिनियर का मतलब समझो पहले, कोलिनियर, कोलिनियर का हिंदी में बोलते हैं संरेख। इसका मतलब ये होता है कि एक सीधी लाइन में हूँ, जैसे सपोज करो ये ए बी है और यहाँ मैंने कोई पॉइंट सी लिया, इसका मतलब ये 2 है और ये 4 है, तो ये पूरे का टोटल 6 होना चाहिए, यानी दो छोटे छोटे की वैल्यू एक पूरी बड़ी के बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए सी प्लस बी सी ए बी के इक्वल होनी चाहिए, तब वो संरेख होता है, यानी एक सीधी लाइन के अंदर होने जरूरी है। संरेख का मतलब क्या है, एक सीधी लाइन के अंदर होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। तो मैंने ए बी निकाला, माइनस टू माइनस वन यानी माइनस थ्री का स्क्वायर 9, 7 में से 1 गया तो 8 और 6 और 6 का स्क्वायर 36 यानी कि 45, और 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 5 और 9 का रूट कितना होता है 3 root 5। फिर उसके बाद हम लिखते हैं बी सी को, यानी 3 माइनस माइनस प्लस यानी 5 का स्क्वायर 25, माइनस थ्री और माइनस सेवन यानी माइनस टेन और माइनस टेन का स्क्वायर 100 और इसका हो गया 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25 into 5 और 25 का रूट कितना निकल कर आता है 5 और 5 का नहीं निकल कर आता है इसलिए 5। ठीक है, उसके बाद मैं निकालता हूँ सी ए का, तो सी ए इक्वल्स टू 3 - 1 यानी 1 2 का स्क्वायर 4, माइनस थ्री और माइनस वन यानी माइनस फोर और 16 का मतलब हो गया 20। क्या 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 into 4, तो 4 का रूट तो मैं जानता हूँ 2 और 5 का रूट हो गया 5। तो मैंने कहा था कोलिनियर जब भी होंगे जब छोटे छोटे का वर्ग एक बड़े के बराबर होगा, यानी 2 + 3 5 के बराबर होना चाहिए। यानी हम क्या कह रहे हैं कि अगर BC इक्वल्स टू AB प्लस CA आ जाए तो मज़ा आ जाए, तब ये सिद्ध हो जाएगा। यानी 5 root 5 इक्वल्स टू AB कितना है 3 root 5 प्लस 2 root 5, तो 3 और 2 5, तो 5 root 5 इज इक्वल्स टू 5 root 5। मैंने देखा कि दो छोटे छोटे का सम एक बड़े के बराबर आ गया, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, दिए गए पॉइंट कोलिनियर हैं, अतः दिए गए पॉइंट कोलिनियर है, दिए गए निर्देशांक संरेख है।